आज मैं अपनी वीडियो बताऊंगा कि आप इन टेस्टर को डिजिटल मीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मीटर कैसे चेक कर सकते हैं और टेस्टर के बारे में आपको मैं बता दूं कि टेस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनपीएन होते हैं और एक पीएनपी होते हैं, ठीक है। तो एनपीएन टेस्टर को और पीएनपी टेस्टर को आप डिजिटल मीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप एनपीएन टेस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनपीएन टेस्टर को ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप मीटर को, ये रोटरी को आप बजर पर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा बजर आपका बज रहा है, ठीक है। अब एनपीएन टेस्टर, ये सबसे पहले ये टेस्टर जो है आपका, ये टेस्टर जो है आपका 547 टेस्टर है, ठीक है। ये 547 टेस्टर है आपका, ठीक है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसे कैसे चेक कर सकते हैं। इस 547 टेस्टर के बारे में आपको पता होगा कि आपका ये कलेक्टर होता है इधर वाला, फिर इसका बेस होता है और फिर ये एमिटर होता है, ठीक है। अगर हम सादे मीटर से इसे चेक करते हैं तो एनपीएन टेस्टर जो बेस को, बेस पर ब्लैक प्रॉड से चेक होता है, मगर अगर आप डिजिटल मीटर से चेक कर रहे हैं तो इसका ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसके बेस पर ये रेड प्रॉड लगाइएगा और ये एमिटर पर लगा दीजिएगा, ये कंटिन्यूटी आएगा मीटर में, और आप इधर लगाइएगा ये कंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। और यहाँ कलेक्टर और एमिटर पर कोई ही शो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं इसे ब्लैक प्रॉड से चेक करता हूँ, देखिएगा तो यहाँ भी ये कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, और इधर मैं लगाता हूँ तो भी नहीं शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अभी मैं दूसरा टेस्टर चेक करा देता हूँ आपको। इस प्रकार ही आपका एनपीएन दूसरा टेस्टर में चेक करा देता हूँ, ठीक है। 5296 टेस्टर है आपका, ठीक है। इसमें आपका जो क्या होता है कि इसमें बेस कलेक्टर अलग होते हैं, ठीक है। इसका ये बेस ये होगा और बीच वाला आपका कलेक्टर होगा और ये एमिटर होगा, ठीक है। तो अगर ये भी आपका एनपीएन टेस्टर है तो इसे भी आप क्या रेड प्रॉड से ही चेक करेंगे। इसके बेस पर रेड प्रॉड लगाइएगा, ये लगाई और ये कलेक्टर पर लगाया, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और ऐसे ही हम एमिटर पर लगाते हैं तो भी कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है। और जस्ट अगर हम इसे अपोजिट करके लगाते हैं, इसके बेस पर ब्लैक प्रॉड लगाते हैं, तो कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, ये देखिएगा, और कलेक्टर पर लगाया नहीं शो करेगा, और ना ही आपके कलेक्टर एमिटर पर शो करेगा, ठीक है। तो इसका ये सही है। इस प्रकार देखिएगा ये आपका 13003 टेस्टर है, ठीक है। ये भी आपका एनपीएन टेस्टर है, इसे भी आप चेक करेंगे तो इसका बेस ये होगा, बेस और बीच वाला आपका कलेक्टर होगा, ठीक है, और ये आपका एमिटर होगा। देखिए अगर मैं ब्लैक प्रॉड से चेक कर रहा हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं रेड प्रॉड से चेक करूँगा तो ये सही बताएगी, देखिए देखिए कंटिन्यू शो कर रहा है और ये शो कर रहा है। और अगर मैं कलेक्टर और एमिटर पर चेकिंग करता हूँ इसकी, तो कोई शो नहीं करता, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका टेस्टर है CL 1005, ये आपका टेस्टर है, ठीक है। और ये भी आपका एनपीएन टेस्टर है, इसे भी आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। देखिएगा ये आपका इस प्रकार का टेस्टर है। जाहिर सी बात है आपके कि ये वाला जो है आपका, ये बॉडी से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका कलेक्टर होगा और ये बीच वाला बेस का होगा और ये इसका एमिटर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसा है, अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि आप एनपीएन टेस्टर है तो आप बेस पर ये रेड प्रॉड ही लगाएंगे आप, ठीक है। ये और यहाँ देखिएगा ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और अगर मैं कलेक्टर पर लगाता हूँ तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं अब ये कलेक्टर और एमिटर पर लगाता हूँ तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस प्रकार आप एनपीएन टेस्टर चेक करते हैं। और अब मैं आपको जो है पीएनपी टेस्टर चेक करने से कैसे कर सकते हैं वो आप मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पीएनपी टेस्टर है आपका 557 टेस्टर है, ठीक है। ये आपका पीएनपी टेस्टर 557 है, इसे आप डिजिटल मीटर से कैसे चेक करेंगे। तो अगर आप जो आपका सुई वाला मीटर है, सादा मीटर होता है, अगर आप उससे चेक करते हैं तो पीएनपी टेस्टर जो है उसके बेस पर आप रेड प्रॉड से चेक करते हैं तो आपका कंटिन्यूटी शो करता है, मगर इसमें बना जैसा भी आपको बताता है पीएनपीएन में उल्टा होता है। तो ये आपके पीएनपी टेस्टर जो होगा ये ब्लैक प्रॉड से चेक होगा, देखिएगा ये ब्लैक प्रॉड मैंने बेस पे लगाई और ये एमीटर पे लगाया, ये देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं इधर लगाता हूँ, कलेक्टर पे लगाता हूँ, ये कंटिन्यूटी शो करता है। अगर मैं इसके बेस पर ये देखिएगा रेड प्रॉड से चेक करता हूँ तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, देखिए कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, और ना ही इधर कोई कंटिन्यूटी शो कर रहा है।
और ऐसे ही और अगर हमें देखेगा ये कलेक्टर एमिटर पे कोई शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिजिटल मीटर से अगर आप पीएनपी चेक करेंगे तो वो ब्लैक रॉड से बेस पे चेक करेंगे। देखिए अभी अगर मैं दूसरा ट्रांजिस्टर चेक कराता हूँ, ये आपका 369 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका ये बेस बीच का होता है और ये भी है, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस में आप ब्लैक रॉड से चेक करेंगे। ये रहा और ये इसका एमिटर रहा और ये आपका कलेक्टर रहा। देखिएगा एमिटर कलेक्टर पर दोनों पर ही कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर कलेक्टर एमिटर पे चेक करते हैं तो कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा ये, और अगर ये आपस में कंटिन्यूटी शो करते हैं यानी कि बजर बजता है तो ये आपके ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे, क्योंकि नए ट्रांजिस्टर है, मैं नए ट्रांजिस्टर आपको चेक करा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अब आपको ये दूसरा ट्रांजिस्टर चेक करा रहा हूँ, ये आपका ट्रांजिस्टर है 940, और 940 में आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को मैं आपको कैसे चेक करा देता हूँ, इसके बारे में मैंने बताया दिया था आपको कि ये आपका बेस है और बीच वाला कलेक्टर होगा और ये आपका एमिटर होगा, ठीक। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो आप इसके बेस पर कौन से लगाओगे, या ब्लैक प्रॉड लगाओगे, ये लगाया और ये देखिएगा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और ये कलेक्टर पर चेक करते हैं ये यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, सेम कंटिन्यूटी बता रहा है। और ऐसे ही अगर ये देखिए सही है, और अगर मैं इसके बेस पर रेड प्रॉड लगाऊंगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ये देखिएगा, और ना ही कलेक्टर मीटर पे बताएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर को आप डिजिटल मीटर से कैसे चेक कर सकते हैं ये मैंने आप अपने आज वीडियो में बताया। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।